क्रिकेट में बॉल टैम्परिंग की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी देखी गई 24 मार्च 2018 को, जब ऑस्ट्रेलियन टीम जाती है साउथ अफ्रीकन दौरे पर। इस सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में कैमरन बैंकक्रॉफ्ट, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख बल्लेबाज थे, वो नोटिस किए जाते हैं यूजिंग सैंड पेपर टू रफन वन साइड ऑफ द बॉल। तो बेसिकली वो एक साइड को एकदम रफ करना चाह रहे थे एंड दूसरी साइड को शाइनी रखना चाह रहे थे, ताकि उनके बॉलर्स को अच्छी स्विंग मिल सके। मैच के दौरान बॉल टैम्परिंग का ये लाइव इंसिडेंट कैप्चर हो जाता है एंड ब्रॉडकास्ट किया जाता है ऑन ऑल टीवी चैनल्स। मैच खत्म होते ही इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है एंड उस टाइम के ऑस्ट्रेलियन कैप्टन स्टीव स्मिथ एंड वाइस कैप्टन डेविड वार्नर ने भी एक्सेप्ट किया कि उन्हें इस चीटिंग इंसिडेंट के बारे में पता था। इस शर्मनाक इंसिडेंट में सजा के तौर पर कैमरन बैंकक्रॉफ्ट पर 9 महीने का बैन लगता है एंड स्टीव स्मिथ एंड डेविड वार्नर पर कुल 1 साल का क्रिकेटिंग बैन लगता है। बट इन सब चीजों के दौरान ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स, जो कि इस टैम्पर्ड बॉल को यूज करके बॉलिंग करा रहे थे, उन्हें कैसे पता नहीं लगा कि ये बॉल टैम्पर्ड की जा रही थी। एंड सोचने वाली बात यह है कि इस शर्मनाक इंसिडेंट में कोई भी ऑस्ट्रेलियन बॉलर नहीं पकड़ा जाता।